हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ओ टू एस अकेडमी यूट्यूब चैनल सो वी आर इन आर पॉलिटिबाइट सरज एंड हम अभी कर रहे हैं अपना पार्लियामेंट चैप्टर सो दिस इज़ द पार्ट थ्री ऑफ आर पार्लियामेंट चैप्टर सो कल तक हमने कंप्लीट किया था अपने पार्लियामेंट के टू पार्ट्स जिसमें हमने हाउसेज कवर कर दिए हैं एंड सेकेंडली वी हैव Also our वाला, कैसे आर स्टार्ट होंगे कौन कौन टर्म से टर्म्स है पीडीएफ ऑफ दिसर लेक्सर्सिटी चैनल प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर ओटो अकेडमी एप जिसमें आपको पॉलिटी बाइट के जितने लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी प्लस बाकी सब्जेक्ट भी हैं जनरल स्टडीज के जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इन सबके साथ भी आपको स्टडी मटीरियल हमारी ओटो

कि uh, कौन कौन सी ऐसे सेशंस के साथ स्टार्टिंग होगी कौन से टर्म्स हैं जो सेशन के साथ होंगे जैसे कि हमने समन किया प्रोरोक किया एडजर्नमेंट मोशन एडजर्नमेंट किया एडजर्नमेंट साइन डाई किया इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा था कि वट इज एडजर्नमेंट वट इज एडजर्नमेंट साइन डाई बिल कब लैप्स होते हैं जिसमें मैंने आपको चार कंडीशंस बताई थी कि आपको चार कंडीशंस याद रखनी है कि जब हाउस डिसोल्यूशन में भी चला जाएगा तो उसके बाद ऐसी कौन कौन सी बिल्स हैं जो लैप्स हो जाएंगे और कौन से बिल्स ऐसे हैं जो लैप्स नहीं होंगे जिसमें

कि जैसे जब पार्लियामेंट फंक्शन करेगी तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से वेज़ हैं जिससे एक पार्लियामेंट फंक्शन कर सकती है ऐसी कौन सी टर्म्स हैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू जब हमने पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट किया था कि पार्लियामेंट चैप्टर इज ऑल अबाउट द टर्म्स ठीक है कि कौन सी टर्म्स हमारी यूज होती है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इट्स ऑल अबउटर्म का पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आई जस्ट होप कि अभी तक जो आपके दो लेक्चर्स हुए हैं यू आर डन विद एंड यू ऑल्सो रिवाइज एंड यू आर क्लियर विद द टर्म्स विच वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट चैप्टर सो पहला जो हमारा चीज है दैट इज आर द क्वेश्चन आर दिस इज द फर्स्ट और जब भी हम किसी से मिलते हैं आप सिंपल सी चीज सी जब भी आप पढ़ें आप चीजों को रिलेट करें कि हाँ जी ये पर्टिकुलर चीज है तो ऐसे हो सकता है जब भी हम किसी से मिलते हैं वी गिव आर इंट्रोडक्शन जो हमने सेशन में पढ़ लिया देन वी जस्ट बोल के हम क्वेश्चन ही करेंगे फर्स्ट थिंग इज यू क्वेश्चन हुआ यू आर सो थिंग इज दैट वैन द पार्लियामेंट स्टार्ट टू फंक्शन द फर्स्ट थिंग द पार्लियामेंट डू इज आर

स्टार्ट एंड शोर्ट शॉर्ट नोटिस सॉरी ठीक है सो दिस आर द्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें है एक है अनस्टार्ट क्वेश्चन एक है स्टार्ट क्वेश्चन एंड देन इज द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अब इन क्वेश्चन को आंसर करने का भी एक डिफरेंट uh, तरीका है ओके okay? सो so, अब किस क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है या तो रिटर्न फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा या आप ओरल आंसर देंगे या जब आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया ठीक है उसका आपने आंसर दे दिया तो क्या वो आंसर अब इसमें जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या है क्या तो या तो आंसर रिटर्न होगा या तो आंसर ओरल होगा नेक्स्ट थिंग कि क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उससे पूछा जाता है सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद क्या आप उसके साथ एसोसिएटेड दूसरा क्वेश्चन साथ में ही पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं दिस इज वन कंडीशन दिस इज सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन ये है कि नोटिस किसी भी क्वेश्चन को पूछने का या उसको आंसर देने का जो टर्म है उसमें क्या कोई नोटिस देना पड़ता है या कितना उसको टाइम दिया जाता है सो so, पहला जो है हमारा अनस्टार्ट क्वेश्चन तो इसमें क्या होगा रिटर्न रिटर्न आंसर आंसर आपको दिया जाएगा नोटिस इज डेज ठीक है अब जब आएगा तो ऑफकोर्स सप्लीमेंट्री इसमें नहीं होगा ओके देन इट इज अ स्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस दोनों के ओरल आंसर्स होते हैं दोनों में सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आंसर्स पूछ सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द डेज जो शॉर्ट नोटिस है दैट्स वेट ए शॉर्ट नोटिस ये है टेन डेज़ ठीक है एंड दिस वन इज द 15 डेज सो so, आप इस टेबल को ध्यान रखिए और आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जब आप लक्ष्मी काम ने देखेंगे गिवन इन बट द दे, जो उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन चीजें हैं वो यही है यही चीज आपको पता होना चाहिए कि तीन टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं अनस्टार्ट स्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस ठीक है इनके आंसर अनस्टार्ट में क्या होगा हो आपको रिटर्न आंसर देना पड़ेगा जब रिटर्न आंसर आएगा तो उसके साथ आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा नोटिस दो में पंद्रह दिन का शॉर्ट नोटिस कर देंगे हर चीज को याद करने का एक अपना तरीका है वेन यू वॉन्ट टू लर्न नोटिस वाला पार्टी कितना नोटिस है तो आप शॉर्ट नोटिस याद रखिए बट इसम होना चाहिए रिपीट हो रही है इसमें यह दो चीजें इसमें यह दो चीजें सो दैट ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड आप सिर्फ स्टेबल को याद रखिए अगर आप स्टेबल को याद रखते हैं तो आपको कोई इशू इसमें नहीं आएगा ठीक है सो दिस इज द थिंग आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है दिस आर ओनली द थ्री कंडीशन विच यू हैव टू बीन टू लर्न इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट इज आर जीरो आर पहला हमने आर कौन सा देखा इट इज आर क्वेश्चन आर देन इट इज अ जीरो आर इज इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन दिस वॉज नॉट ठीक है इन द पार्लियामेंट्री रूल्स बुक ओके नेक्स्ट इज इट स्टार्ट इमीजिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन ऑफ ठीक है इट इज द टाइम गैप बिटवी द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा ठीक है अंडर दिस द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज मैटर्स विदाउट एन प्रायर नोटिस तो इन सब चीज़ों का मैं आपको बताती हुए मान लीजिए आज एक सीटिंग हो रही है जिसमें ये डिसाइडेड था कि ये पर्टिकुलर एजेंडा इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बिल था बिल वन है आज हम उसके रिलेटेड मिलेंगे तो पहला आर कौन सा हुआ क्वेश्चन आर हो गया ठीक है उसके बाद क्या होना कि हमारा एजेंडा जिस बिल के लिए हम मिले थे उसके ऊपर बात तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर और इस एजेंडा के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं जीरो आर ठीक है सो so, जो हमने क्वेश्चन पूछने थे उसमें प्लस जिस चीज के लिए हम मिले थे उसमें उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इज जीरो आर ठीक है सो दैट यही है इसे इन तीन पॉइंट्स में बोला, the, the ये बोला बट इसको ध्यान रखिए इट वाज नॉट मेंशन इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक इट केम बाय द इनोवेशन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया के सिस्टम का इनोवेशन है ठीक है ओके okay, इसमें कोई प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है आपको ये ध्यान रखना बिकॉज जब आप आ, अभी ये आर्ट्स देखेंगे प्लस क्वेश्चन हमने देखा कि किसमें कितना टाइम का नोटिस है तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन पूछने के लिए आपको आर्ट प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा सो इन जीरो आर यू डों एम डोंट हैव टू गिव अ प्रायर नोटिस नेक्स्ट इज हाफ एन आवर डिस्कशन इस पर्टिकुलर अभी आज के लेक्चर में यू विल ऑनली एक स्लाइड एक टर्म इसका मतलब क्या है दैट और कुछ भी नहीं है सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स फैक्चुअल है बट हां कुछ चीजें आपको याद रह सकती हैं इट इज मेट वॉर डिस्कसिंग अटर ऑफ सफिशियंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज बिन सब्जेक्टेड टू अलॉट ऑफ डिबेट नेक्स्ट इज द स्पीकर कैन अलाउट थ्री डेज इन अ वीक

एस द टाइम ए लॉटर फॉर सच डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड टू आवर्स ये ध्यान रखेगा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है तो इट शुड नॉट एक्सीड दो घंटे मैक्सिमम जो इस पर्टिकुलर चीज में जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑफ टू आवर्स ओनली नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेस सच डिस्कशन और मेटरिक इम्पोर्टेंट सेम थिंग

ठीक है सो आर द डिफरेंस विच यू हैव टू लर्न तो अभी हमने तीन दो तीन चीजें देखी दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन वन हाफ आर डिस्कशन एंड हमने देखा जीरो आर क्वेश्चन आर आई थिंक यू क्लियर क्वेश्चन आर में हमने क्या देखा लेट्स बिकॉज इसके बाद जब हम करेंगे दैट विल बी आर मोशंस तो अभी तक हमने सबसे पहले हमने चीज देखा दैट इज आर क्वेश्चन आर जीरो आर एच एच टी शॉर्ट

एंड दीज बोथ आर फॉर द अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस में कोई मैटर आ जाता है और इन दोनों में ही में इवन जीरो आर में भी आपको कोई प्रायर नोटिस नहीं देना है सो दैट्स ऑल अबाउट द लास्ट फोर फाइव स्लाइड्स इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में नाउ इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं ओके सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मोशन इन द पार्लियामेंट वी हैव डिफरेंट मोशन प्रिवलेज मोशन सेंशर मोशन ठीक है एडजर्नमेंट मोशन तो इन सब मोशन में आप नॉट कंफ्यूज uh, हो सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू आर क्लियर एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि इन पार्लियामेंट चैप्टर इट्स टोटली अबाउट का मीनिंग याद हो गया ठीक है तो उसके बाद कोई कंडीशन कोई फैक्ट कोई आर्टिकल कुछ भी नहीं है इट ऑल अबाउट दो फर्स्ट टर्म इज प्रेज मोशन एज सुन एज यू बिकम द एम पी और एम एल एज यू गेट समेस ठीक है या तो आपके ऊपर चाहे कार्रवाई भी करनी हो क्रिमिनल सेवल सब कुछ भी इनमें भी आपको प्रिवेलेज मिलती है ट्रेवल ये वो इधर उधर इन सिंपल वर्ड्स व्हेन एज सुन एज यू बिकम द एम बी और एम एल जस्ट कॉट द यू जस्ट गेट द मेनी प्रिविलेज सो वट इज दिस प्रिज मोशन इज अबाउट सो कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सिंपल सी चीज प्रिविलेज आपको दी गई थी अगर आपने उसको तोड़ दिया देन दिस इज द मोशन विच विल बी यूज अगेंस्ट यू बाय मिनिस्टर लाइक विद होल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस और बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टोर्टेड फैक्ट्स कुछ भी आप गलत जानकारी देते हैं या कुछ फैक्ट्स को आप छुपाते हैं तो दिस विल बिकम द

so you have to sorry no confidence motion and then we will study the difference between them okay so it can be moved against an individual minister or a group of minister or the entire council of ministers next it is moved to censure the council of ministers for specific policies and actions remove it can be moved only in lok sabha Ye

लोकसभा में भी आप कर सकते हैं यू कैन नॉट स्टार्ट दिस इन द राज्यसभा नेक्स्ट इज आर नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आएगा दैट इज आर्टिकल नंबर फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है इट इज अगेंस्ट द कलेक्टिवली क्योंकि हमें देखिए जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा था हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि द

स्पेशल मिनिस्टर्स की एक वो बनाया था ग्रुप बनाया था जिसको हमने टीम दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किसको रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को तो लोकसभा के पास भी तो कोई पावर होनी चाहिए ना कि अगर ये काम सही से नहीं करे तो इनको हटा दे तो वो जो पावर है दैट इज आर नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके लिए आपको पचास मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए स्टार्ट करने के लिए अगर उन्होंने पास कर दिया देन दिस पर्टिकुलर मोशन हैज बीन पास बाय द लोकसभा देन इट इज टोटली रिमूव्ड

कि दिस इज ऑल्सो वट इज वो भी मिनिस्टर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को या कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी यही बोल रहे हैं सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन दैन सो रीजन शुड बी स्टेट रीजन शुड बी स्टेटेड फॉर इट्स अडोप्शन जब सेंशन मोशन आप मूव करेंगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसा नहीं होगा पचास मेंबर का अगर आपको सब ये आपका पास हो जाएगा कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है मूव्ड फॉर सेंचुरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस और इसमें होगा मूव फॉर अर्टेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपका किसी के ऊपर से विश्वास उठ गया जो आपको कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर अगर वही हट जाता है तो उसी पर्टिकुलर चीज को अगर आपने खराब किया है देन दिस पर्टिकुलर डिसीजन नो कॉन्फिडेंस मोशन विल भी स्टार्टेड इफ पासड इन लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस इफ पासड इन लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्राम द ऑफिस इट्स नॉट

removed from the office. So that is the difference between the these two motions. ठीक है तो अब ध्यान रखिए आप एक दो बार इस टेबल को पढ़ेंगे then you will get clear कि इसका deep meaning क्या है मतलब क्या है?

ओके एंड दिस इज ऑल्सो इंडियन इनोवेशन ये कहीं पार्लियामेंट्री बुक में नहीं था बट ये अब ओके नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ आर पार्लियामेंट के सिस्टम वर्किंग फंक्शन में सो दिस इज द कॉलिंग अटेंशन मोशन सिंपल सी बात पब्लिक इंपॉर्टेंस में किसी की आपको अटेंशन चाहिए तब हम इसको यूज करते हैं बट अब ये जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मैंशन है जहां की हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जीरो आर इज स्टिल नॉट इन द आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक

नेक्स्ट इज प्रेजिडेंट साइन प्रेजिडेंट ही इसी को, uh, इसको हमेशा करते हैं प्लस तो अगर ये पास ना हो तो डिफीट ऑफ द गवर्मेंट माना जाता है ओके सो नेक्स्ट इज क्लोजर मोशन इट इज अ मोशन अव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस देखिए पहले उससे पहले ना हम एक चीज समझते हैं कि अगर एक बिल है किसी भी एक टॉपिक पे है लेकिन उसके ना अलग अलग चीजें होंगी ऐसा नहीं है ना कि एक बिल के ऊपर एक ही बार बात उसके भी आगे एक पैटर्न हो सकता है मींस हम एक फ्लो चार्ट की तरह चल सकते हैं कि एक बिल के हम टॉपिक बात करना था देन दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर ऐसे उसके डिस्कशन हो सकते हैं कि पार्ट वन में ये है पार्ट टू में ये है पार्ट थ्री में ये है पार्ट फोर है अब मैं आपको इसको क्यों बता रही हूँ बिकॉज वेन वी स्टार्ट विद आर क्लोजर मोशन तो क्लोजर मोशन में भी हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं उसको क्लोज करने के मान लीजिए जब भी आप बिल पास करते हो सो यू हैव मेनी डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग तो जब डिबेट एंड डिस्कशन की बात आएगी तो उसको रोकना भी तो है उसको रोकने के लिए है क्लोजर मोशन लेकिन क्लोजर मोशन में भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं सो द फर्स्ट

ठीक है ए थ्री ए फोर को कंबाइन कर लो और इनको कंपार्टमेंट्स में अब क्लोजर करो ठीक है तो लेंदी रेसोल्यूशन सा तो अब ये पार्ट्स को हम वोट के लिए करें ए वन टू को ए थ्री ए फोर को वोट कर देंगे एंड इफ इट अज पास देन वोट के बाद दिस पर्टिकुलर होल मोशन को मतलब जो भी हमारा बिल था उसी को ही वोट में डाल दिया जाएगा नेक्स्ट इज कंगारू क्लोजर अंडर दिस स्टेप ओनली इंपॉर्टेंट क्लाजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड इंटरवीनिंग क्लाजेज आर स्क ओवर एंड टेकन एज पास जब जिस बंदे ने बिल पास किया जिसने इनिशिएट किया या जो भी डिसाइड हुआ सो इट विल बी डिसाइडेड कि ठीक है आ, टू और वाला जॉब जो हमने पीछे फ्लो चार्ट बनाया था कि ए है ए के टू थ्री फोर है तो इसमें टू और फोर बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है तो जो डिबेट और डिस्कशन होगा टू और फोर पे ही होगा और इन्हीं को वोट कर दिया जाएगा अगर ये वोट हो गया तो हम कंसिडर कर लेंगे कि वन और टू भी पास्ड है मीन्स कंप्लीट ए इज़ पास्ड ठीक है सिर्फ दो पे हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं सिर्फ उनको हम डिस्कस करेंगे उन्हीं को हम वोट करेंगे अगर चार में से वो दो क्लॉज क्लॉज वोट में आप गेन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा बिल ही पास कर दिया जाएगा सो दैट इज ऑल अबाउट द कंगारू क्लोजर पूरा बिल हम डिस्कस नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्लोजेज हैं क्लॉजेज हैं उन्हीं को ही हम करेंगे नेक्स्ट इज क्लोजर इट इज वन वेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ अ बिल और रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू वॉन्ट ऑफ टाइम टाइम की वजह से टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो डिस्कस भी नहीं हुए हो, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट भी हो जो डिस्कस नहीं हुए बाकी चीजें डिस्कस हुए लेकिन इसमें क्या होगा कंप्लीट जो है उसी को ही वोट के लिए डाल दिया जाएगा सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्लोजर्स विच वी आर विच वी डू और ऑप्ट इन आर पार्लियामेंट सिंपल क्लोजर पूरा का पूरा बिल ठीक है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स कंपार्टमेंट्स में ग्रुप करके उन पर्टिकुलर पार्ट्स को ही वोट में डाल दिया जाता है कंगारू क्लोजर जिसमें सारे नहीं होते जो इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं और उन्हीं को ही हम वोट करते हैं और कंसिडर कर लेते हैं कि पूरा का पूरा बिल पास हो गया है गले टाइम क्लोजर क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं था तो इसलिए हमने जितना डिस्कस हुआ हुआ बाकी को छोड़ो और पूरे को ही वोट में डाल दो सो दैट्स ऑल अबाउट द आर द क्लोजर मोशन जस्ट बी वेरी मच क्लियर विद दीज टर्म्स चार टाइप के क्लोजर्स के नेक्स्ट इज आर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये बोलता है अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये तब यूज किया जाएगा जो हमारे रूल्स हैं पार्लियामेंट के जब उनको फॉलो नहीं कर रहा है हाउस सो वी यूज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इट इज यूजअली रेज बाय एन अपोजिशन मेंबर इन अंडर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम यू लर्न द टर्म अपोजिशन मेंबर इसको हम आने वाले उसमें करेंगे कि वी हैव सम एक टर्म है

एक एडजमेंट वहां पढ़ा था एक एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे यहां पे सो दिस इज मोशन नॉर्मल बिजनेस हेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने के लिए ही आपको पचास मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए नेक्स्ट इज अलाउड इन बोथ हाउसेस नहीं लाइक सेंशर सो नो राज्यसभा राज्यसभा में हम इसको यूज नहीं करते हैं नेक्स्ट इज फॉर मिनिमम ढाई घंटे टू पॉइंट इसका मिनिमम टाइम है नेक्स्ट इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज जो हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रिविलेज मोशन उस बेस उसके लिए आप इस पर्टिकुलर मोशन को नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज एडजस्टमेंट मोशन अगर आ गया तो वो पूरा का पूरा जो बिजनेस चल रहा था हमारे हाउस uh, का उस पर्टिकुलर सेटिंग चल रही थी वो उसको रोक देगा एंड इट विल जस्ट हॉल्ड द बिजनेस मतलब कंप्लीटली उस पर्टिकुलर सेशन जो हमने जब हमने एडजस्टमेंट किया था हमने क्या बोला था एडजमेंट का मतलब कि उस पर्टिकुलर सेटिंग को रोकना ठीक है तो एडजस्टमेंट मोशन में यही है कि नॉर्मल बिजनेस को ये रोक देगा ठीक है फिफ्टी so, में सिर्फ किस में होगा लोकसभा में नो इन राज्यसभा ठीक है ना द लास्ट टर्म फॉर द डे फॉर दिस लेक्चर मीन्स इज नो डेट नेम्ड मोशन ओके इट इज अ मोशन दट हैज बीन एडमिटेड बाई द स्पीकर बट नो डेट हैज बिन फिक्स फॉर इट्स डिस्कशन स्पीकर क्योंकि एक मोशन मतलब एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए भी हां भरनी पड़ेगी स्पीकर को एक मोशन जब स्टार्ट होता है ठीक है तो हाँ कौन भरेगा उसको इनिशिएट कौन करेगा पावर किसके पास है हेड ऑफ द हाउस के पास हेड कौन है हमारा हमारा हेड है यहाँ पे स्पीकर तो जो स्पीकर उसको नो एट नेम मोशन में का, मतलब क्या है कि स्पीकर ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हाँ जी हम इस पर्टिकुलर मोशन पे बात करेंगे एडमिट कर लिया गया है बट कोई डेट डिसाइड नहीं दिया कि हाँ जी आज करेंगे या अगली बार करेंगे या परसों करेंगे सो दैट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट ठीक है तो इसलिए इस मोशन का नाम है नो डे येट नेम्ड मोशन सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो हमारी डिवाइज यूज होती हैं वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन आर नाउ वी हैव रीज टू द नो डे डेट नेम्ड मोशन सो वट वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चन आर जीरो आर डिस्कशन हाफ आर डिस्कशन ठीक है जीरो हर हमने देखा था तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देखा मोशन सेंसर देखा एडजर्नमेंट देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा सो नाउ यू यू हैव हैव टू टू डू जस्ट रिवाइज द होल थिंग किसमें क्या डिफरेंस है कौन सा सिर्फ लोकसभा में होता है कौन सा सिर्फ राज्यसभा में होता है दैट ऑल यू हैव टू सी एंड आइडेंटिफाई ठीक है पहली चीज दूसरी चीज टिक सो द फर्स्ट थिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू एड जनमेंट मोशन क्वेश्चन आर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो जब अभी तक आई थिंक आपको सारे मोशन अगर हम डिस्कस करें, एडजर्नमेंट so पार्लियामेंट का कंट्रोल बोलना है, क्या है? को ही कर देगा पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर question पूछेगा कौन मेंबर ही तो क्वेश्चन पूछेगा किसको पूछेगा मिनिस्टर को पूछेगा सो दिस इज अ कंट्रोल ऑन किस पर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन मान ली किसी ने एक आंसर दे दिया अब आपको यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए कि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आप किस में पूछ सकते हैं किसमें नहीं पूछ सकते हैं आपने क्वेश्चन पूछ लिया यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू विल आस्क अ वन मोर क्वेश्चन टू दैट तो इसमें भी जो है पार्लियामेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर बेशक उनका रैंक होता तो वो एक का ही पार्ट है बट उसमें रैंक उनको मिल जाता है बट जाते यू आर रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली तो लोकसभा के लोग आपके ऊपर कैसे कैसे पार्लियामेंट 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 विल विल नॉट से से लोकसभा बट पे तो सो द आंसर विल बी डी वन टू एंड थ्री की सब चीजें हैं जिसकी वजह से जो पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं ओके नेक्स्ट इज इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज ठीक है to allow a discussion on a definite matter of a public importance टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स टू अलाओ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन द डिमांड्स फॉर ग्रांट टू पोस्टपोन प्रोसीडिंग टू चेक इन अप्रोप्रिएट और वायलेंट बिहेवियर इन पार्ट ऑफ द सम मेंस देखिए यह तो नहीं है अपोजिशन वाला टू अलाओ रिडक्शन इसके साथ एक अलग है वो हम करेंगे दैट एक मोशन बचाए दैट इज कट मोशन वो दैट वी विल डिस्कस सम बजट जिसमें पॉलिसी कट आता है इकोनॉमिक कट आता है पॉलिसी के हम बाद में डिस्कस करें दिस इज ऑल्सो नॉट तो पहले आप ए पार्ट देखिए टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एडजर्मेंट मोशन की बात की गई है ठीक है सो दट दिस बी ए सो दबाउट टूडे सिलेक्शन आई थिंक नाउ यू आर वेरी मच क्लियर तो आज जो हमने करा वी हैव स्टार्टेड विद प्रोसीडिंग्स अभी तक आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है वी हैव ऑल्सो सीन द क्वेश्चन इन दैट ठीक है सो डू रीवाइज दिस बिकॉज बार बार मैं आप एक, एक ही चीज कहती हूँ कि पार्लियामेंट चैप्टर मीन यू हैव टू बी वेरी वेरी मच क्लियर विद टर्म्स आप देख रहे हैं तीसरे लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं अपने पार्लियामेंट वाले में बट द थिंग इज यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है सिर्फ और सिर्फ टर्म्स पहला है मोशन देन फिर उसके पहले सेशन में प्रोसीडिंग आगे भी जो हम करेंगे दैट विल बी सेशन हाँ एक चीज हमारा सिर्फ एक मोशन है इसमें मैंने कवर नहीं किया दैट इज आर कट मोशन ठीक है दैट वी विल कंप्लीट इन अपकमिंग लेक्चर जब हम थोड़ा बजट की भी बात करेंगे हाउ द बजट इज पास सो दैट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर आई जस्ट होप यू लाइक दिस लेक्चर बट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन की डू रिवाइज दिस पर्टिकुलर लेक्चर बिकॉज अभी अगर आप रिवाइज करेंगे देन ओनली यू विल बी वेरी मच थोरो विद द टर्म्स ओके सो थैंक यू सो मच होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम ओटो एस अकेडमी टेलीग्राम चैनल और इट फ्रॉम यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप ऑफ दिस अकेडमी दे यू विल गेट द पी डी एफ ऑफ ऑर ऑल पॉलिटी बाइट सीरिज ओके थैंक यू सो मच नाउ वी विल स्टार्ट विद इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अदर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो अभी बच रहे हैं ओके सो थैंक यू सो मच